आज हम बात करेंगे ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस और गाउट के बारे में। चाहे आपको 50 साल पुराना हो, जो मैं उपाय बताऊंगा उससे हड्डियां जो टेढ़ी हो गई हैं आपकी, या घुटने के जो जोड़ है वो खराब हो गया, या उंगलियों के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो हड्डियां जितनी टेढ़ी मेढ़ी होंगी वो तो नहीं आपकी ठीक हो पाएंगी, पर बीमारी आपकी आगे बढ़ना पूरे शरीर में रुक जाएगी। दर्द से जो आप गोलियां खाकर आराम कर रहे थे, फिर भी गोलियां आपके ऊपर 5-6 घंटे के लिए काम करती थी, दर्द वाली गोलियां, दर्द फिर से शुरू हो जाता है। उन दवाइयों से आप बच जाएंगे और बीमारी आगे बढ़ना रोककर जो बाकी अभी तक खराब नहीं हुए हैं आप पूरे बचा जाएंगे और दर्द वाली गोलियों से आपका पूरा पीछा छूट जाएगा। तो पूरी जानकारी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, मुझे बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम हर रोज पहुंचाते रहें। तो मैं आपको बताऊंगा इन सभी दिक्कतों के लिए, ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, गाउट, यूरिक एसिड बढ़ गया, एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। देखिए, सबसे पहला ही कारण ये है कि आज तक आप यूरिक एसिड के लिए, गठिया वाह के लिए, वात रोग के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए सीधी ही दवाइयां खा रहे हैं। अंग्रेजी खाएं, चाहे होम्योपैथी खाएं, चाहे आयुर्वेदा खाएं, आज तक आपने पता नहीं करवाया है कि आपके जोड़ों का दर्द है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से है, और यूरिक एसिड इस बीमारी की वजह से बढ़ रहा है ये आज तक आपने पता ही नहीं करवाया। आप यहीं पे दवाइयां खाने लग गए हैं, पर जिस बीमारी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है उस बीमारी का आज तक आपने इलाज नहीं लिया। आपको पता ही नहीं है आपको गठिया है तो कौन सी तरह की है। एक बैक्टीरिया होता है, उसके लिए ASO टेस्ट होता है। तो ये बैक्टीरिया कीटाणु अगर शरीर में घुस जाए बाहर से, तो वो भी आपको गठिया बना सकता है। जो कीटाणु वाली गठिया होती है ये दूसरी गठिया से, ऑटोइम्यून डिजीज वाली गठिया से अलग होती है। तो आप किसी और गठिया को इलाज लेते रह जाएं, आपको है ASO पॉजिटिव, आपको पता ही नहीं है कि गठिया अभी तक आपकी चल रही है कि नहीं चल रही, CRP आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ESR आपका बढ़ रहा है, उनको गठिया हो रहा है, ESR किस बीमारी की वजह से गठिया आपका बढ़ रहा है, उस बीमारी को आपने पकड़ा नहीं, उसका इलाज ही नहीं लिया। तो आपने 15 साल भी दवाई खा ली, 2 दिन दवाई छोड़ दो फिर से दर्द शुरू। पेट लेट आपके जहां तो 1.5 लाख के करीब ही घूम रहे हैं, या ये 4 लाख क्रॉस कर रखे हैं, 4.5-5 लाख तक पहुंच गए हैं। तो ये दोनों तरीके से ही गठिया, गाउट है, अर्थराइटिस पैदा कर सकता है। मेडिसिन है, दवाएं हैं जो कुछ ऐसी जोड़ों में दर्द, गाउट, अर्थराइटिस पैदा करती हैं, जैसे कि अबॉर्शन पिल्स चाहे आपने 30 साल पहले खाई हो तब हो सकता है। TB आपको कुछ ऐसी बीमारियां 20 साल पहले हुई हो तब आपको गठिया जैसी दिक्कत आ सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन बीमारियों के बाद आपको गठिया शुरू हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे सोराइसिस के साथ गठिया शुरू हो सकती है, IBS के साथ गठिया शुरू हो जाती है, कि मतलब कि आपका शरीर ही आपको खुद बीमार करने लग गया है, ऐसी बीमारी बन गई है। थायराइड की वजह से हो सकता है, और हार्मोन डिस्टरबेंस है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाओं को हार्मोन डिस्टरबेंस हो जाती है और प्रेगनेंसी के बाद गठिया शुरू हो जाता है। तो जिस किस्म की गठिया है, जिस किस्म का यूरिक एसिड है, उस बीमारी का इलाज करना है। इन सभी के लिए 99% लोगों ने क्या किया है, वो चाहे आयुर्वेदा में, चाहे होम्योपैथी में, चाहे अंग्रेजी में, वो पेन किलर उन्होंने खाने लग गए हैं। इनका तो कोई इलाज किए नहीं, तो बोलते हैं मुझे 50 साल हो गए, एक दिन दवाई ना खाओ मुझे फिर दर्द हो जाता है। तो भाई चाहे आप 100 साल दवाई खा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इन बीमारियों का इलाज लेंगे तब जड़ से बीमारी दूर होगी। तो जड़ से बीमारी दूर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट जो आपके शरीर को ताकत दे, और आपके शरीर के अंदर जो गठिया, गाउट, अर्थराइट से, यूरिक एसिड से जोड़ खराब हो गए हैं उन जोड़ों को ठीक कर सके। इम्यून सिस्टम है जो आपकी, देखिए जो गठिया जैसी बीमारियां, जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियां हैं, इनको हमारा शरीर ही ठीक कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम को जो दवा बढ़ाएगी वो आपकी गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द को ठीक करेगी। नेचुरल होनी चाहिए। इंफ्लामेशन को जो दवा कम करेगी, जो दवा के अंदर ताकत होगी जिसकि जोड़ों के अंदर सूजन को नेचुरली तरीके से कम कर सके, बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए, गोलियों की तरह नहीं। और साइटोकाइनिंस को कम करेगी। साइटोकाइनिंस होते हैं जब गठिया, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस शुरू होता है, हमारे शरीर कुछ तत्व पैदा करते हैं जिसको साइटोकाइनिंस
कहते हैं, तो ये एक तरह की सूजन लाने का काम करते हैं जो इनको कंट्रोल करे। तो एक बहुत ही बढ़िया आसान घरेलू रामबाण उपाय है लहसुन गार्लिक एक्सट्रैक्ट। ये तैयार कैसे करना है, आपने कच्चा लहसुन खाने से कोई खास फायदे नहीं होते। आपने एक पूरी लहसुन की गांठ ले लेनी है जिसके अंदर 15-20 लहसुन की कलियां होती हैं, उन सभी को छील लेना है, जो उसके पत्ते वगैरह वो सारे फेंक देने हैं। छीला हुआ लहसुन ताजी कली है, उसको 200 ml पानी के अंदर मिक्सी के अंदर डालकर 250 ml पानी के अंदर घुमा देना है पूरा 5 मिनट के लिए। जब वो घूम जाए फिर इस पानी को 5 दिन के लिए फ्रिज में लगा देना है, तब ये आपकी दवा तैयार होगी जो ये सारे काम करेगी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून सिस्टम को ठीक करेगी, नेचुरल है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, साइटोकाइनिन को कम करेगी, तब ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। और 5 दिन के बाद इसको लेना शुरू करना है। 5 ml से शुरू करें, कम से कम शुरू करें ताकि लंबा समय आप लेते रहें। 5 ml 1 कप पानी के अंदर सुबह खाली पेट और 5 ml 4-5 बजे शाम को, 2 समय लेना शुरू करें और धीरे धीरे डोज ज्यादा से ज्यादा 10 ml करें, इससे ज्यादा ना जाए, कम लें, जितना कम लेंगे उतनी बढ़िया फायदा मिले। आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपको दर्द, जोड़ों की सूजन, घुटने जो आपके चल नहीं रहे थे घुटने ठीक, कमर में दर्द हो रहा था, सुबह सुबह उठ के उंगलियों में दर्द होता था, जो जैसे जैसे काम करते थे बॉडी गर्म होती थी वो चला जाता, ये सारी चीजें आपको कम होने लग जाएंगी। पर एक ध्यान रखना है, इनका भी आपने इलाज साथ में करवाना है, ढूंढ के कहीं आपको ASO पॉजिटिव हो, आप इसी के चक्कर में पड़ जाएं। ये आपको 70% तक तो ठीक कर देगा ASO में भी, पर 30% कुछ लोग रह जाएंगे जिनको ये पूरा ठीक नहीं होगा, वो अपना परमानेंट इलाज भी कराएं, नहीं तो बहुत ही आसान सेफ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस आए, गठिया, अलर्जी, अस्थमा, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, पेट की बीमारियां, हार्ट की एफिशिएंसी किसी कम है, इलाजमेंट हार्ट की, वाल्व रिप्लेसमेंट की तरफ कोई जा रहा है, घुटने कोई बदलवाने की सोच रहा है, सभी के ऊपर मेरी वीडियोस है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जानकारी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। वीडियो को 1-2 बार आपको सकता है दोबारा देखनी पड़े, फिर आपको समझ आ जाएगी पूरी साइंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं फिर।